हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द मिनी विंग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, जिसका टाइटल है 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बट स्ट्रेंज रेस्टोरेंट इन द होल वर्ल्ड। सो टाइटल से पता चलता है कि वीडियो कितनी अच्छी होगी और कितनी यूनिक होगी। सो गाइस, फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जरूर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान उसकी सर्विस और टेस्टी खाने से होती है। यही रीजन है कि खाने के शौकीन लोगों की भीड़ अक्सर रेस्टोरेंट में लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, इसी दुनिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जो अपनी अजीबोगरीब थीम की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। जैसे ये नेक्ड रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को अपने कपड़े उतार के यानी नंगा होके खाना खाना होता है, और यहाँ के वेटर्स भी नंगे होते हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। फिश कैफे। दोस्तों, वियतनाम के होचीमिन सिटी में एक फिश कैफे है। इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मछलियों से बनी डिशेस मिलती होंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक 3 मंजिला कॉफी शॉप है। यहाँ का फर्स्ट फ्लोर एक आम कैफे की तरह है, जहाँ पे बाकी रेस्टोरेंट की तरह कॉफी सर्व करी जाती है। पर जो वियर्ड यानी अजीबोगरीब रेस्टोरेंट का टाइटल मिला है, वो इसे सेकंड और थर्ड फ्लोर में बने कैफे की वजह से मिला है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ऐसा क्या है सेकंड और थर्ड फ्लोर में। तो दोस्तों, इन दोनों फ्लोर के फर्श पे आपको पानी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको समुद्र की छोटी और रंग बिरंगी मछलियाँ भी पानी में तैरती हुई देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आने वाले सभी कस्टमर अपने जूते चप्पल खोल के इस कैफे में एंट्री लेते हैं और अपनी सीट्स पे बैठ के कॉफी को एंजॉय करते हैं। जी हाँ, सिर्फ कॉफी को, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ कॉफी ही सर्व करी जाती है। यहाँ लोग बहुत शौक से आया करते हैं, क्योंकि यहाँ आके कॉफी पीना जिंदगी में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों, जब इस कैफे के मालिक से पूछा गया कि अजीबोगरीब आइडिया उन्हें कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे कंसेप्ट पे कैफे बनाना चाहते थे जो दुनिया में कहीं भी ना हो। और इन मछलियों के बारे में इन्होंने बताया कि इन्हें बचपन से रंग बिरंगी मछलियाँ अच्छी लगती थी। कैफे के मालिक ने बताया कि उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनका ये अजीब आइडिया इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और इनका नाम पूरी दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों के माइंड में ये बात जरूर आ रही होगी कि इस रेस्टोरेंट में गंदगी काफी ज्यादा होगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के पानी को हर 24 घंटे में रिप्लेस करके फ्रेश वाटर को डाला जाता है, ताकि मछलियों से होने वाली बीमारियों को दूर रखा जा सके और कस्टमर यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी संकोच ना करें। वैम्पायर कैफे। वैसे तो इसकी गिनती अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन यहाँ आने वाले कस्टमर्स का कहना है कि हमने इस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा एंजॉय करा। तो इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत रहते होंगे या कोई डरावने लोग रहते होंगे। पर दोस्तों, इस रेस्टोरेंट को जानबूझ के वैम्पायर थीम पे बनाया गया है, जहाँ पे आपको डरावनी भूतों के स्टैचू और नकली खून से लथपथ भूतों की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में अजीबोगरीब नाम की डिशेस मिलती हैं, जैसे एविल एनिमल्स और फॉरेस्ट ऑफ डेड बैट्स यानी मरे हुए चमगादड़ों की डिशेस। घबराइए मत, इनके नाम सिर्फ डरावने हैं। यहाँ के खाने के बारे में जब लोगों से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसके अलावा खाने को प्लेट में इस तरह सजा के लाया जाता है, जिससे वो इनकी वैम्पायर थीम से मिलती जुलती रहे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और इसके बारे में जान रहे हो, तो शायद आपको ये डरावना ना लगे, लेकिन पहली बार जाने वालों के यहाँ पे पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ की गेट पे साफ साफ लिखा गया है कि कमजोर दिल वाले यहाँ बिल्कुल भी मत आना। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ कि क्या आप यहाँ जाने की हिम्मत रखते हो या फिर नहीं। वॉर बंकर। दोस्तों, इस बात पे हम सभी एग्री करेंगे कि दोनों ही विश्व युद्ध में पूरी दुनिया और खासकर उसमें इन्वॉल्व सभी लोगों के लिए बुरा समय था। लंदन में बने इस रेस्टोरेंट को उन्हीं में से एक बंद खंडर में बनाया गया है, जिसे वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट 1940 की थीम पे बनाया गया है, जहाँ पे रेस्टोरेंट के सभी वेटर उन फौजियों के कपड़े में रहते हैं, और इस पूरे रेस्टोरेंट का माहौल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर जाते ही आपको एहसास होगा कि मानो आप टाइम ट्रेवल करके दोबारा से 1940 के पुराने जमाने में पहुंच गए हो। जेल रेस्टोरेंट। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में आपने दुनिया जहान के अजीबोगरीब रेस्टोरेंट के बारे में जाना और उनको देखा, लेकिन अब जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हमारे प्रिय देश भारत का है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप बिना क्राइम करे जेल में बैठ के एक कैदी की तरह खाना खाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो भाई स्वागत है आपका बेंगलोर में बने इस जेल थीम रेस्टोरेंट में।
यहाँ पे आने वाले गेस्ट को खाना जेल में खिलाया जाता है और वो भी इन वेटरों के द्वारा जो पुलिस की वर्दी में रहते हैं। दोस्तों इस रेस्टोरेंट का माहौल पूरी तरह से एक जेल की तरह रखा गया है, जहाँ पे नकली राइफल और पिस्टल देखने को मिल जाएंगी, जिससे एक पल को आपको लगेगा कि आप सचमुच के जेल में आ गए हो। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ पे आपको असली जेल के जैसे खाने की जगह वही नॉर्मल डिशेस मिलेंगी जो आपको बाकी रेस्टोरेंट में मिलती है। टॉयलेट रेस्टोरेंट, ओह माय गॉड। अरे नहीं भाई, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा टेस्टी फूड, लेकिन आपको खाने को टॉयलेट सीट पे बैठ के खाना होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। और तो और, जिसमें से आप खाना निकालोगे वो बर्तन भी टॉयलेट की सीट के शेप के होंगे। दोस्तों पहले तो इस रेस्टोरेंट में जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बाथरूम में आ गए हो, क्योंकि इसको एक बाथरूम की थीम पे बनाया गया है और इस रेस्टोरेंट का नाम है मॉडर्न टॉयलेट, जो ताइवान देश में मौजूद है और एक इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक रेस्टोरेंट अहमदाबाद में भी मौजूद है, कासा बोनीटा। दोस्तों ये अजीब से नाम वाला रेस्टोरेंट अमेरिका के डेनवर कोलोराडो शहर में बना हुआ है। दोस्तों ये एक मैक्सिकन थीम पे बेस्ड रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको खाने के साथ साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। इस रेस्टोरेंट की पहली ब्रांच 1968 में ओक्लाहोमा सिटी में खोली गई थी। ये एक सुपर रेस्टोरेंट है जो 52,000 स्क्वायर फीट के लैंड एरिया पे फैला हुआ है और इस रेस्टोरेंट में एक बार में 1,000 लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें खुफिया गुफाएं, मैजिक शो, गन फाइट, तलवारबाजी और भी कई तरह की गेम्स एंजॉय करने के लिए मौजूद हैं। और तो और इसमें 30 फुट का वाटरफॉल यानी झरना भी है, जहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो। नेक्ड रेस्टोरेंट। दोस्तों अगर आपको लग रहा था कि इस लिस्ट में सिर्फ टॉयलेट रेस्टोरेंट ही सबसे अजीब होगा तो आप बिल्कुल गलत हो। दोस्तों ये है नेक्ड रेस्टोरेंट, जहाँ पे कस्टमर और वेटर दोनों को नंगा रहना पड़ता है। जी हाँ, नंगा यानी आपकी बॉडी पे कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं भला कोई इस रेस्टोरेंट में क्यों जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जाने के लिए लोग कई महीनों तक का वेट करते हैं, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, जिसकी वेटिंग लिस्ट अभी 50,000 क्रॉस कर चुकी है। और हाँ, अगर आप इस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो तो आपको द बुनियादी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, जो कि लंदन में मौजूद है। वाइन लगून। दोस्तों एक्चुअल में इसे रिजॉर्ट कहें या स्पा कहें वो आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तीन तरह के स्पा हैं, जिसके एक टब में कॉफी, दूसरे टब में वाइन और तीसरे टब में नूडल्स यानी चौमिन भरी पड़ी होती है। यहाँ पे आने वाले कस्टमर इन स्पा टब में कूद के वाइन में नहाते हुए वाइन को एंजॉय करते हैं। अगर आप सोच रहे हो जिस टब में नहाते हैं और उसी टब का वाइन पीते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये लोग इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। ये लोग नहाते तो जरूर वाइन में हैं, लेकिन पीने के लिए इनको अलग से फ्रेश वाइन सर्व कराई जाती है। और दोस्तों ये देखा गया है कि इस वाइन टब में नहाने से स्किन सेल्स में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, और वैसे ही सेम कंसेप्ट पे बाकी दोनों टब का इस्तेमाल किया जाता है। उन टब में भी कॉफी और नूडल्स के टब में लोग काफी एंजॉय करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो आपको जापान देश जाना होगा। दोस्तों अगले पॉइंट पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दें, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। टेस्ट ऑफ डार्कनेस। दोस्तों कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, पर मैं अगर कहूँ कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ कुछ नहीं दिखता लेकिन वहाँ सब कुछ बिकता है। दोस्तों हैदराबाद का डायलॉग इन डार्कनेस नाम का ये रेस्टोरेंट भी काफी मशहूर है। इस रेस्टोरेंट में लोगों को अपने सेंस का यूज करके खाना खाना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अंधेरा होता है। यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी टेबल पे खाना कहाँ रखा है। आपको महसूस करके अपने खाने को खाना होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके खाना खा लोगे, तो मैं आपको बता दूं कि टीम मैनेजमेंट द्वारा पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी कि इस रेस्टोरेंट में आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें खाना देने वाले वेटर्स को एक खास तरह का इंफ्रारेड चश्मा पहना दिया जाता है, जिससे उन्हें अंधेरे में सब कुछ दिखता रहे। ये रेस्टोरेंट खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें डार्कनेस यानी अंधेरा बहुत ज्यादा पसंद है। कायाबुकिया तेवान। दोस्तों आपने अभी तक बंदरों का टैलेंट सिर्फ मदारे के साथ ही लोगों को एंटरटेन करते देखा होगा, पर आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे ही कमाल के बंदर रेस्टोरेंट बिजनेस में अपना हुनर दिखा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट जापान के कैपिटल टोक्यो में है, जो दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी कोई पुरुष या महिला नहीं बल्कि बंदर यानी मॉन्की है। इन बंदरों को इस तरह से ट्रेनिंग दी हुई है कि आपका ऑर्डर लेंगे भी और वही खाना आपको सर्व करेंगे जो आपने ऑर्डर करा होगा। और इसके अलावा ये आपको हाथ साफ करने के लिए टॉवल भी देंगे, यानी ये आपका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे जब तक आप इनके मेहमान हो। अगर आप सोच रहे हो कि इनको सैलरी कैसे दी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि इनको समय समय पे केला खिलाया जाता है यानी बनाना दिया जाता है।
सो गाइस वीडियो तो देख लिया, बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। तो स्ट्रेंज तो मुझे सारे ही रेस्टोरेंट लगे, सारे ही यूनिक थे, सारे ही स्ट्रेंज थे, बट सबसे ज़्यादा जो लगे वो थे रेडनिक्स रेस्टोरेंट, जिसमें बिना कपड़ों के जाना है। मतलब हम सोचते हैं कि क्यों जाएंगे बिना कपड़ों के रेस्टोरेंट में, लेकिन वहाँ पे लोग वेटिंग में रहते हैं जाने के लिए। आई कॉन्ट बिलीव कि ऐसा भी होता होगा। और दूसरा लगा मुझे पॉटी चेयर वाली जो रेस्टोरेंट वो था, उस पर बैठना है पॉटी चेयर पे और पोट से ही मतलब सर्व करना है खाने को, तो वो मुझे काफ़ी स्ट्रेंज और अलग लगा। सो और अच्छा मुझे इस वीडियो के बारे में जो रेस्टोरेंट लगे वो था एक फ़िश वाला रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आई लव टू गो देयर अगर मुझे मौका मिले। और दूसरा लगा मुझे मंकी वाला, जो मंकी वेटर था वो वाला रेस्टोरेंट अच्छा लगा। सो बहुत मज़ा आया वीडियो को देख के। तो आपको कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लगा, कौन सा रेस्टोरेंट आपको यूनिक लगा, लेट मी नो गाइस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई शिकायत है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द मिनी विंग्स। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।